गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल करण जेके विद रिवीजन के अंदर। आज है 23 अप्रैल और बात करती हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। भारत के 68वें नंबर या 68वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण जो है वो बने हैं। फिर बात करते हैं 67वें नंबर के जो थे वो लियोन मैंडोका थे जो कि गोवा के रहने वाले थे। फिर बात करते हैं भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर बने थे वो विश्वनाथ आनंदन जी बने थे। फिर बात करते हैं सबसे पहला जो खेल रत्न अवार्ड है वो विश्वनाथ आनंदन जी को ही प्रोवाइड करवाया गया था। और आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि भारत सरकार के द्वारा जो सबसे पहला खेल रत्न प्रोवाइड करवाया गया था वो किस वर्ष प्रोवाइड करवाया गया था, और ये जो प्रोवाइड करवाया गया था उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नेम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं अपने प्रियंका मोहिते के बारे में। सो प्रियंका मोहिते भारत की पहली ऐसी 21 ईयर ओल्ड गर्ल बनी है जिन्होंने कि जो माउंटेन अन्नपूर्णा नेपाल के गडकरी जोन के अंदर प्रेजेंट है उसको पूरी तरह से इनके द्वारा चढ़ाई की गई है या फिर इनके द्वारा मापा गया है। फिर अपने बात करते हैं बात की है यहाँ पर चेस के बारे में। सो बात कर रहे हैं चेस की, तो जो इंटरनेशनल चेस की बात करते हैं सो इंटरनेशनल चेस जो है बेसिकली जिसको अपने फिडे के नाम से जानते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है। भारत के दृष्टिकोण से यदि बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर प्रेजेंट है, और इसके जो अभी प्रेजिडेंट बने हुए हैं वो संजय कपूर जी बने हुए हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सो सेकंड नंबर क्वेश्चन की यदि अपने बात करते हैं तो OPCW जिसका जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वाइपन है के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा जो GC मुर्मू जी जो कि हमारे देश के 14th नंबर के कैग भी बने हुए हैं, कंट्रोलर ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया बने हुए हैं, इन्हीं को अभी बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। और इससे पहले ये जो इंटरनल पार्लियामेंट्री यूनियन है इसके भी एक्सटर्नल ऑडिटर जनरल ये बने हुए हैं। और यदि अपने बात करते हैं एक्सटर्नल पार्लियामेंट्री यूनियन जिसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है, इसके तहत ये जो अपने WHO है उसके और WTO है उसके भी बाहरी परीक्षक लेखा परीक्षक के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। अब ये जो OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक चुने गए हैं ये इनका जो कार्यकाल है वो 3 ईयर के लिए रहेगा जो कि 2021 से भी स्टार्ट हो चुका है। और यदि अपने बात करते हैं कैग के बारे में, सो जो कैग है वो संविधान के तहत जो आर्टिकल है अपना 148 उसके तहत कैग की नियुक्ति जो है वो की जाती है। फिर अपने बात कर रहे हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि पूनम गुप्ता की बात करते हैं तो पूनम गुप्ता जो है NCAER की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। अब यदि अपने बात करते हैं NCAER के फुल फॉर्म की, सो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है जिसकी पहली महिला अध्यक्ष ये बनी है, फिर डीजी वहाँ पर बनी है। इसी तरह से नोगोजी ओकुंजा इवेला की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला जो डीजी है वो बनी है। फिर अपने बात करते हैं मुरली नटराजन की, सो मुरली नटराजन जो है DCB जो बैंक है उसके MD एंड CEO ये दोबारा से रीअपॉइंटेड किए गए हैं। अब यदि अपने बात कर रहे हैं जो OPCW है बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैग नीदरलैंड के अंदर प्रेजेंट है, और अपने यहाँ पर बात की है नीदरलैंड कंट्री के बारे में,
सो बात कर रही हैं नीदरलैंड कंट्री की। सो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको शो किया गया है, ये आपका नीदरलैंड का शो किया गया है। नीदरलैंड के साथ वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री जैसे कि बेल्जियम हुआ और जर्मनी हुआ, इन दो कंट्री की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। और दूसरी साइड जो इसकी बात करते हैं, जो नॉर्थ सी है, वो इसकी बाउंड्री कम्प्लीटली इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं यदि इसकी कैपिटल की, तो जो कैपिटल है वो एम्स्टर्डम है। यहाँ के जो सम्राट है वो विलियम एलेक्जेंडर नाम से है। और प्राइम मिनिस्टर जो अभी यहाँ पर बने थे वो मार्क रूटे बने थे। इन्होंने पहले यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया था और उसके बाद दोबारा री इलेक्शन हुए, जिसके अंदर ये दोबारा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। करेंसी की बात करते हैं तो यूरो और यूएस डॉलर जो दोनों यहाँ पर चलती है। फिर अपने बात कर रही हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन जो है वो अभी हाल ही में किन के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी और किरण रिजिजू, जो कि हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इन दोनों ने मिलकर जो है WSAI, जिसको अपने वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया, इसका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। ये जो है बेसिकली 2015 के अंदर बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन या इनोग्रेशन नहीं हुआ था। अब इसका इनोग्रेशन हुआ है, ये कम्प्लीटली अब बनकर तैयार हुआ है और अब से ये जो है चर्चा के अंदर आया है और अब इसका उद्घाटन हुआ है और अब ये वर्क करेगा। और बेसिकली ये जो वर्क करेगा वो ITBP के अंतर्गत या इसके अंडर के अंदर वर्क करेगा। सो ITBP की यदि फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर जो है बेसिकली जो माउंटेनियरिंग होती है, माउंट इंजीनियरिंग और इसी तरह से जो स्कीइंग होती है, वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है यहाँ पर जो किए जाएंगे। और ये जो इंस्टीट्यूट बेसिकली खुला है, ये उत्तराखंड के अंदर जो टहरी डैम प्रजेंट है उसके पास में ही इसका उद्घाटन जो है या फिर ये इंस्टीट्यूट जो है वो खोला गया है। फिर अपने बात की यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में, सो बात करते हैं अपने उत्तराखंड राज्य के बारे में। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको शो किया गया है, उत्तराखंड राज्य का शो किया गया है। और उत्तराखंड राज्य की यदि अपने बात करते हैं कि यहाँ की कैपिटल जो है वो देहरादून है और गैरसैंण, दो कैपिटल यहाँ की है, गैरसैंण यहाँ की ग्रीष्मकालीन सॉरी शीतकालीन और देहरादून जो है ग्रीष्मकालीन कैपिटल यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने इसकी बात करते हैं तो इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश हुआ, इसका हरियाणा हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ, इनकी बाउंड्रीज के साथ टच होती है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो नेपाल एंड चाइना, इन दोनों कंट्री की बाउंड्री जो है इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात कर रहे हैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री की बात कर चुके हैं, कैपिटल की बात कर चुके हैं, यहाँ के जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य है। फॉर्मेशन जो हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ के जो दर्राइन प्रेजेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, वो जैसे कि माना दर्रा यहाँ पर प्रेजेंट है, लिपुलेख दर्रा यहाँ पर प्रेजेंट है और नीति दर्रा यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करें यहाँ का जो डांस है वो छोलिया डांस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का जो फ्लोवर है राज्य फ्लोवर, वो ब्रह्म कमल के नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है, वैली ऑफ नेशनल फ्लावर यहाँ पर प्रेजेंट है और राजा जी नेशनल पार्क भी यहाँ पर प्रेजेंट है। और एक फेमस डैम जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि टिहरी डैम जो है वो बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट है, भागीरथी रिवर पर प्रेजेंट है। और यदि बात करते हैं कि ये जो है वो भागीरथी रिवर पर प्रेजेंट है। फिर अपने बात कर रहे हैं करंट न्यूज़ ऑफ उत्तराखंड के बारे में। सो यदि अपने करंट न्यूज़ की बात करते हैं तो भारत का पहला जो पोलिनेटर पार्क है हल्दीबानी के अंदर ओपन हुआ। यहाँ पर जो सोंग बांध है उसका निर्माण किया गया था। भारत का पहला जो मोस गार्डन है वो भी यहीं पर ओपन किया गया था। और एक डोबरा चांठी पुल भी यहाँ पर बनाया गया था, जिसका उद्घाटन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके द्वारा किया गया था। उत्तराखंड की जो पहली रामसर साइट है, आसन कंजर्वेशन आसन संरक्षण रिजर्व जिसको अपने कहते हैं, वो भी यहीं पर अभी बनाई गई थी। फिर इसी तरह से अभी जो अपने बात करते हैं ITBP, सो ITBP के साथ यहाँ पर जो पर्यटक है उनको बढ़ावा देने के लिए इन ITBP के साथ उत्तराखंड सरकार के द्वारा समझौता किया गया था। और सुधा पैनोली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनको कि 2020 का जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवाया गया था, वो भी यहीं की रहने वाली थी। और अपने बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा जो
टुलिप गार्डन है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। और यदि आप लोगों ने ये वीडियो जो है डेली देख रहे होंगे डेली बेसिस पर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक टुलिप गार्डन प्रेजेंट है, जहाँ पर अभी कुछ दिनों के लिए एक राष्ट्रीय फ्लोर महोत्सव वहाँ पर स्टार्ट किया गया था। फिर बात कर रहे हैं जो काला पानी एक विवादित एरिया है नेपाल और भारत के बीच में, वो लगभग ये वाला जो पोर्शन है यहाँ कहीं प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं, ये है कुछ फैक्ट्स थे करंट न्यूज़ के बारे में उत्तराखंड के। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। अब अपने बात करते हैं बैंकिंग सुधारों के अंदर, जिसे अपने बैंकिंग सुधारों के जनक के रूप में माना जाता है, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। सो इनका नाम क्या है? सो इनका जो बेसिकली नाम है वो एम नरसिम्हा जी हैं। इनको बैंकिंग सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। अब यदि अपने बात कर रहे हैं नरसिम्हा राव जी के बारे में, पहला पॉइंट तो इनके बारे में ये है कि ये आरबीआई के एक कैडर थे और ऐसे पहले पर्सन बने थे जो कि आरबीआई के गवर्नर बने थे। और यदि अपने आरबीआई के गवर्नर की बात करते हैं, तो ये 9th नंबर के गवर्नर आरबीआई के बने थे। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं, अपने आईएमएफ है और जो अपना वर्ल्ड बैंक है, उसके ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह भी वर्क कर चुके हैं। इसी तरह से जो अपने एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी, उसके जो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी ये वर्क कर चुके थे। और यदि बात करते हैं तो इनको जो बैंकिंग के सेक्टर के अंदर पद्म विभूषण अवार्ड जो है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, वो 2000 के अंदर मिला था। और इनके द्वारा एक काफ़ी फेमस जो पुस्तक है वो भी लिखी गई थी, जैसे कि फॉर्मर रिजर्व बैंक टू फाइनेंस मिनिस्टर एंड बियॉन्ड सम रेमिनेंसीज सीन नाम से एक पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई। इनकी बुक का जो नाम है वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे कि फ्रॉम रिजर्व बैंक टू फाइनेंस मिनिस्टर एंड बियॉन्ड सम रेमिनिसेंस नाम से एक पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि शंख घोष की बात करते हैं, तो ये वेस्ट बंगाल के एक काफ़ी फेमस कवि थे जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु होगी। इसी तरह से यदि अपने किशोर नंद शंकर की बात करते हैं, तो ये एक बॉलीवुड एक्टर थे जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। और फिर बात करते हैं चार्ल्स गेस के, ये वाला जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, कोई सा भी एग्जाम चाहिए अब होने वाला हो जिसके अंदर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा, तो चार्ल्स गेस के जो है बेसिकली एडोब जो बात करते हो, एडोब रीडर या फिर अपने पीडीएफ की जो अपने बात करते हैं, उसके जो एक सह संस्थापक ये हैं, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। तो इसी वजह से ये काफ़ी फेमस जो क्वेश्चन आपका बन रहा है। ये दोनों जो ऑप्शन है, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को कौन सा दिवस जो मनाया जाता है? इस दिन जो डे मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस जिसको अपने कहते हैं, या फिर इसको इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में भी मनाया जाता है। और इस बार इसकी जो थीम रखी गई थी उसका आंसर क्या आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं? प्लीज़ आप इसका आंसर बताइएगा। और यदि आप नहीं बता सकते हैं तो ये वीडियो जो लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको लास्ट के अंदर जरूर इसके बारे में बता दूंगा। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि यूनाइटेड नेशन चाइनीज़ लैंग्वेज जो डे है वो पर्टिकुलर मनाया जाता है कब? ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे एंड सिविल सर्विसेज जो डे है, ये दोनों डे बेसिकली 21 अप्रैल को मनाए जाते हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फादर ऑफ द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एसोसिएट अटोर्नी जनरल, सॉरी ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, कब तक कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो पैकेज है वो बढ़ाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 1 ईयर के लिए बेसिकली ये बढ़ाया गया था। ये मार्च 2020 के अंदर इसका एंड हो चुका था, लेकिन अभी कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा ये जो स्कीम है बेसिकली इसको 1 ईयर के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब यदि अपने बात कर रहे हैं कि जैसे इस स्कीम के तहत बेसिकली क्या होता है कि जो भी अपने डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो मेडिकल ऑफिसर या फिर मेडिकल कर्मचारी, कोई भी ऐसे पर्सन जो कि COVID-19 के मरीजों की देखभाल करते हुए यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो
उनको भारत सरकार की तरफ से बेसिकली 50 लाख रुपए जो है उनके परिवार वालों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसकी ये जो है बेसिकली घोषणा की गई है कि इसको 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाए। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल अभी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा वनिता गुप्ता जो है वो ये बनी है। और फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि यूएसए के जो अटॉर्नी जनरल है वो मैरिक गारलैंड बने हैं, भारत के जो अटॉर्नी जनरल है वो के वेणुगोपाल राव जी है, और विवेक मूर्ति की बात करते हैं तो ये यूएसए के प्रेसिडेंट के जो सर्जन है मेन सर्जन वो भी बने हैं। अब अपने बात कर रहे हैं जो आपका क्वेश्चन था कि 22 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं, तो उसकी जो थीम है वो बेसिकली रिस्टोर और अर्थ जो है वो रखी गई है। और ये वाला भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा कि 22 अप्रैल को बेसिकली कौन सा डे मनाया जाता है, और उसकी जो मेन क्वेश्चन वो यही रहता है अब एग्जाम के अंदर की पर्टिकुलर इसकी जो थीम रखी गई थी वो क्या थी। रिस्टोर ओवर अर्थ जो है ये थीम इसकी रखी गई थी। अब अपने बात कर रहे हैं, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। फिर अपने बात कर रही हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। बात कर रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन, 100 बिलियन को पार करने वाला तीसरा भारतीय ग्रुप कौन सा बना? इसका राइट आंसर होगा अडानी ग्रुप बना था। फिर बात करते हैं लूना 25 के साथ चंद्रमा पर लौटने की घोषणा भी रशिया के द्वारा की गई थी 1976 के अंदर। इससे पहले लूना 24 जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, अब जो है वो दोबारा लूना 25 को लॉन्च करेंगे। फिर बात करते हैं हर घर जल का जो लक्ष्य रखा गया है वो पंजाब राज्य के द्वारा रखा गया, और ये जो है 2022 के अंदर इनके द्वारा हासिल कर लिया जाएगा। फिर बात करते हैं मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का जो पुरस्कार जीता गया वो पुगली मराठी मूवी जो कि महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के उनके द्वारा जीता गया। 20 अप्रैल को जो है यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया गया। फिर बात करते हैं क्लीन एंड जर्क के रूप में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया मीराबाई चानू के द्वारा, और जो अपनी रेड लिस्ट है ट्रैवलिंग के लिए मानी जाती है उसके अंदर यूके के द्वारा भारत को उसके अंदर रखा गया, जो कि कोविड-19 के केस इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं उसी वजह को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। फिर बात करते हैं डीसीबी बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में रीअपॉइंटेड जो है मुरली नटराजन जी को भी किया गया है। ये था आज का कंप्लीट वीडियो। अब अपने बात करते हैं जो भी आपके क्वेश्चन एंड आंसर है आज के वो आपको शो किए गए हैं, फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपकी फ़ोटो जो है यहाँ पर पब्लिश हो सकती है। यदि आप मुझे जो भी क्वेश्चन आज पूछे गए हैं उनका आंसर कमेंट्स में बताती हैं, तो एट द लास्ट थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस डे।